भारत ईरान ने मिलकर पाकिस्तान और चाइना के प्रोजेक्ट को चेकमेट कर दिया है। ना तो अमेरिका की मदद ली गई है, ना ही दुनिया के किसी और देश की मदद ली गई है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही है, भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बनाया था। ये पोर्ट किस वजह से बनाया गया था? ताकि भारत की जो कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के रस्ते से ना होकर ईरान के रस्ते से सेंट्रल एशिया में हो सके। सेंट्रल एशिया की खदानें हैं, वहां से जो एक सामान निकलता है या फिर ट्रेड होता है, वो सारा ट्रेड चाबहार पोर्ट के चलते भारत के साथ हो सके। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने इसी की कड़ी में ग्वादर पोर्ट बनाया था। ये ग्वादर पोर्ट बनाया तो पाकिस्तान को चूर्ण बेचकर था कि पाकिस्तान को चूर्ण बेचा गया कि ये अगर ग्वादर पोर्ट बनता है तो पूरी दुनिया के देश आएंगे, ग्वादर पोर्ट पर ट्रेड करेंगे और इसी के साथ तुमको कमाई होगी। इसी के चलते तुम चीन के लोन लिए हुए पैसों से इस पोर्ट को बनाओ वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, और उसके बाद तुम किश्तों में हमें ये चुका देना। हालांकि कमाई की बात है शुरुआती दौर में, तो चाइना यहाँ से ट्रेड करेगा तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालिया के दिनों में चाबहार पोर्ट की कड़ी में ग्वादर पोर्ट पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पर लगातार फेंसिंग इस तरीके से की गई है कि जैसे कोई यहां पर बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चाइनीज इंजीनियरों की मौत हो या फिर बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट के ऊपर लगातार आत्मघाती हमले होने की एक सीरीज हो, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। और ईरान की तरफ से अब क्लेम किया गया है कि उनके पोर्ट के ऊपर ग्वादर पोर्ट से 10 गुना ज्यादा ट्रैफिक आज हम एक इनवाइट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्वादर पोर्ट जो चीन के पैसों से बनाया गया है, चीन भी डरता है उस पोर्ट से ट्रेड करने के लिए, और दुनिया ने तो वहां पर ट्रेड करना ही क्या था। यही कारण है कि ईरान आज चौड़े में खेल रहा है भारत की वजह से, क्योंकि भारत का भी ट्रेड यहां से चाबहार पोर्ट के जरिए हो रहा है और दुनिया भी आज चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आज जो सामान अफगानिस्तान के अंदर भेजना है वो चाबहार पोर्ट के चलते वो भेजा जा सकता है। तो उस सिचुएशन में ग्वादर पोर्ट से भेजना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट कंट्री के अंदर कोई भी भरोसा नहीं होता है। हालांकि पाकिस्तान को अब सोचना होगा, चीनी पैसों से ये पोर्ट तो बना लिया, लेकिन आखिरकार कब तक वो इस ग्वादर पोर्ट को लेकर जो पैसे हैं चाइनीज को देते रहेंगे। चाइनीज तो लगातार एक के बाद एक नए हसीन सपने पाकिस्तान को दिखा देते हैं कि आप इस ग्वादर पोर्ट के अंदर ये फैसिलिटी ले आइए, दुनिया के देश आपको ये देंगे। लेकिन जब तक आपके देश के अंदर आत्मघाती हमले नहीं रुकेंगे, आखिरकार आप कैसे दुनिया की इन्वेस्टमेंट अपने देश के अंदर आकर्षित कर सकते हो। पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है, हालात इतने बुरे हैं कि आप पूछे ही मत। लेकिन ईरान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ग्वादर पोर्ट को जब से दुनिया ने छोड़ा है, चाबहार पोर्ट पर भरोसा ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि ईरान के अंदर इस तरीके के आत्मघाती हमले नहीं होते हैं और ट्रेड शांति और सुचारू तरीके से होता है, जिस कारण से ट्रेडर चाबहार पोर्ट से व्यापार करके आज खुश हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।